देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज देवघर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व देवघर उपायुक्त नैन्सी सहाय ने किया, जिसमें देवघर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह सहित देवघर के हजारों युवाओं ने भाग लिया। ये दौड़ देवघर समाहरणालय से लेकर वीर कुंवर सिंह चौक होते हुए टावर चौक होते हुए पटेल चौक पर जाकर समाप्त हुई, जहां सरदार पटेल की प्रतिमा पर देवघर उपायुक्त नैन्सी सहाय, देवघर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा माल्यार्पण किया गया। जयंती मनाई जाती है और इसी क्रम में आज जिले में 3-4 मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी हम सभी जिले के पदाधिकारी का हम लोगों ने रन फॉर यूनिटी, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स एनएसएस के और एनवाईके के बच्चे आए हैं, और अभी हम लोगों ने माल्यार्पण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का, और शाम में एक मार्च पास्ट भी आयोजित है और पुलिस के द्वारा। आज क्योंकि इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, तो हम सभी ने मिलकर यही प्रण किया कि हम सभी अपने कार्यों के द्वारा इस अपने देश की एकता को बनाए रखेंगे, और सभी से मेरी अपील है कि हम सभी अपने देश में एकता, इंटीग्रिटी, यूनिटी, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं उनको हम सब हमेशा बरकरार रखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आज हम लोगों ने रन फॉर यूनिटी कराई गई, सेकेंड हाफ में हम लोग मार्च पास करेंगे। सरकार का निर्देश है कि हर एक ऑफिस कार्यालय में उनकी फोटो भी लगाई जाए, और ये एक एकता का प्रतीक है और पूरा देश एक रहे, यही हम सब लोगों की कामना है। उसी तरह से हम लोगों ने आज मतदाता वाला भी एक शपथ ग्रहण कराई गई कि निष्पक्ष और निडर होके लोग मतदान करें, और इस देश के एक मत एक बहुत महत्वपूर्ण है कैंडिडेट को सुनने के लिए, सब पूरे भरपूर अच्छी परसेंटेज में यहाँ मत करें, यही मेरी अपील है। थैंक यू सर। अविनाश वर्मा के साथ अजीत संतोषी की रिपोर्ट।